नमस्ते दोस्तों, राधा स्वादा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है ब्रेड मिल्क टोस्ट और ये रेसिपी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर किया जाए। और ये इतना वायरल क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी और ये खाने में कैसा इसका टेस्ट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए गैस पे मैंने एक फ्राइंग पैन रखा है और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल ही लो रखा है। इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब देसी घी। आप इसे इस रेसिपी को बटर में भी बना सकते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 ब्रेड के स्लाइस और इसे हम बहुत ही अच्छे से रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड लिया है और वाइट ब्रेड के साथ ही इस रेसिपी को बनाए तो बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसे हेल्दी बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ब्रेड को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं ऊपर से भी थोड़ा सा घी लगा रही हूँ और दोनों के ऊपर साइड को ही हम रोस्ट करेंगे, यानी बीच का जो साइड है उसे हम रोस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने इसे डायरेक्ट इस तरीके से पलट दिया है और दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसे मैंने बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लिया और इसका कलर भी ब्राउन हो गया अच्छे से। तो अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप मिल्क और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम लो और मीडियम पे रखेंगे। बीच बीच में गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि ये देखिए दूध डालने से इसमें इस तरीके का झाग बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करेंगे जब तक कि ये दूध जो है ब्रेड में सोख ना ले, तो फिर हम दूसरा इस तरीके से दूसरी बार नहीं डालेंगे। और एक ही बार में सारा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। और देखिए इस तरीके से पूरे ब्रेड में हम दूध को सोख करने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए दूध में इस तरीके का झाग आ जाएगा, तो आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। और यहाँ पे देखिए जो दूध की मलाई जम जाती है साइड में, उसे हम इसी तरीके से निकाल के ब्रेड के ऊपर ही लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे सारा दूध इसमें डाल दिया है और ब्रेड ने सारा दूध को एब्जॉर्ब कर लिया और बिल्कुल ये फ्लफी सा हो गया है। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम पे रखेंगे और अच्छे से हम इसे पलट पलट के सेक लेंगे। बार बार हम नहीं पलटेंगे, नहीं तो ब्रेड जो है वो टूट जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसे सिकने देंगे, उसके बाद इसे पलटेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक साइड से सिकने के बाद मैंने इसे पलट लिया है और बहुत ही आराम से हम इसे दोनों साइड से सेकेंगे। और जब तक कि इसका ऊपर का जो लेयर है वो बिल्कुल क्रिस्प और गोल्डन सा ना हो जाए, तब तक हम इसे सेकेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे इस वक्त बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है ब्रेड के ऊपर और टच करने से ये आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा, बिल्कुल एक पैनकेक जैसा। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई पे कर रख लिया है और दोनों साइड से अच्छा से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ये ब्रेड मिल्क टोस्ट बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। इसे हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं और आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा फ्लफी बना है। अब मैं इसके ऊपर मिठास के लिए डाल रही हूँ हनी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच के करीब हनी को डाल दिया है और अब मैं इसके ऊपर थोड़े से नट्स डालूँगी, जिसमें मैंने थोड़ा सा काजू को इस तरीके से कट करके डाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है और बहुत ही टेस्टी बना है। मैं आपको इसे दिखाती हूँ कट करके। आप देख पा रहे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बहुत स्पंजी बना है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या फिर आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बच्चों को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ब्रेड मिल्क टोस्ट की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।